आज 6 फरवरी की ईश्वर प्रदान में आप सबका स्वागत है। हम ज्यादातर सोचते हैं कि थोड़ा सा कमा लें, जीवन जी लें, नाती पोते पोती कर लें, उसके बाद में जाकर के जब 60 वर्ष में पहुंच जाएंगे तब हम रिटायरमेंट लेंगे, तब हम ना धन के बारे में सोचेंगे ना रिश्तों के बारे में सोचेंगे, तब हम संन्यास ले लेंगे या हम वानप्रस्थी में चले जाएंगे, हम किसी गुरु के आश्रम में चले जाएंगे और हम वहां पर या तो वाहिगुरु वाहिगुरु या तो फिर राम 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 या तो कोई ना कोई जप करेंगे ताकि हमारी जो भी आज तक की हमारी जो भी यात्रा हुई है उसको हम सफल कर पाए। पर सोचने की बात यह है कि हमने 60 साल या 70 साल तक हमने जो भी कर्म किए हैं, अगर हमने परमात्मा की छत्रछाया में ना रह करके वो कर्म किए तो आप सोच सकते हो किस प्रकार के कर्म होंगे। और फिर 60 साल या 70 साल के बाद में जब हम जो कर्म किए हैं उसके बाद में उनको अगर हम धोने की कोशिश करें, उस समय शरीर की अवस्था, उस समय मानसिक अवस्था, उस समय सिचुएशंस और कितने सारे संबंध बढ़ गए होंगे, तो वो संबंध बढ़ने के टाइम पर ये शक्ति परमात्मा से ले पाना असंभव नहीं है। लेकिन क्यों ना हम इसी चीज को बहुत ही जल्दी कर लें, क्योंकि ये जो रास्ता है ये खुशी का रास्ता है और ये रास्ता हमें हमेशा चेयरफुल रखने का रास्ता है, खुशनसीबी का रास्ता है और ये रास्ते में हमेशा हम हर्षित रह सकते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं कि जब आप बूढ़े होते हो, जब आपकी उम्र बहुत ज्यादा हो जाती तभी आप इन चीजों पे जाते हो। और लोग ज्यादातर सोचते हैं कि बड़ा सैड रास्ता है ये, पहले इंजॉय कर लो बहुत कुछ, जब ये इस रास्ते में चलेंगे तो हम फिर देखेंगे, क्योंकि लोग समझते हैं बड़ा उदास रास्ता है ये, उदासी का रास्ता नहीं है। बस यही पता है कि हमें कि ये सारी दुनिया की रंगत को एंजॉय करो, उसके बाद में जाकर के हम इस रास्ते पे चले जिसमें भगवान को याद करना, मतलब बहुत मजबूरी होगी भगवान को याद करने की, बहुत दुख वाला रास्ता आ गया। नहीं, परमात्मा कहते हैं देखा जाए तो पुराने जमाने में गुरुकुल होते थे जो हमारे भारत में ही, वहां पर हमें बताया जाता है कि बचपन से ही हमें साधना करनी बहुत जरूरी है ताकि हमसे बचपन से कोई पाप ना हो, हमारे पाप कर्म हमारे ऊपर इकट्ठे ना हो जाए और हमारा जो जीवन हो बहुत सुखद हो, और साथ ही साथ जो हमारा जीवन शरीर छोड़ने वाला जो समय हो वो भी बहुत सुखद हो और हम सुखी सुखी शरीर छोड़े तड़पते हुए। तो इसलिए देखिए आज परमात्मा कहते क्या है, क्योंकि ये ज्ञान बहुत रमणीकता वाला है, बहुत मजेदार ज्ञान है, ये कोई बुढ़ापे में लेने वाला ज्ञान नहीं है, ये अभी लेने वाला ज्ञान है। तो परमात्मा कहते हैं ज्ञान को रमणीकता से सिमरन कर आगे बढ़ने वाले सदा हर्षित खुश नसीब हुआ। तो इसको रमणीक कैसे बनाए इस ज्ञान को, ये सिर्फ आत्मा परमात्मा का सूखा ज्ञान नहीं है कि अपने को आत्मा समझो, परमात्मा को बिंदु याद करो, मैं आत्मा बिंदु, परमात्मा आत्मा बिंदु, मैं परम धाम में आ गई आत्मा, बाबा को याद कर रही हूं, भगवान आपको याद कर रही हूं, नहीं, इतना सूखा ज्ञान नहीं है, बहुत रमणीक ज्ञान है। सिर्फ रोज अपना नया नया टाइटल याद रखो, आप परमात्मा एग्जाम्पल देते हैं, मैं आत्मा तो हूं लेकिन कौन सी आत्मा हूं, कभी आर्टिस्ट की आत्मा हूं, अगर आप आर्टिस्ट है तो आप कहें मैं तो आत्मा हूं, मैं आर्टिस्ट का रोल प्ले करने वाली आत्मा हूं, कभी बिजनेसमैन की आत्मा हूं, मैं आत्मा बिजनेस करने जा रही हूं, मैं आत्मा बिजनेसमैन का रोल प्ले कर रही हूं, ऐसे रमणीकता से और अनेक तरीके हैं, मैं आत्मा माँ का रोल प्ले कर रही, मैं आत्मा बहू का रोल प्ले कर रही हूं, ऐसे रमणीकता से आगे बढ़ते रहो। जैसे बाप भी रमणीक है, आत्मा भी रमणीक है। देखो कभी धोबी बन जाता है, धोबी मतलब ये नहीं कि वो हमारे घर के कपड़े धोते हैं, धोबी का अर्थ ये हो गया कि हम आत्मा ने जो पाप कर्म किए हुए हैं उनको धोना, हमारे पापों को धोने वाले परमात्मा पिता, तो आत्मा ही वो कपड़ा है। तो धोबी बन जाने का अर्थ तो आप समझ गए होंगे कि वो हम आत्माओं के किए हुए पाप कर्मों को धोते हैं। कभी ओबीडियंट सर्वेंट, बच्चे बोलते हैं परमात्मा आज मेरे को ये कर्म करना है, इसमें मुझे सफलता, मेरे आप मेरे साथ रहिएगा, तो परमात्मा ये नहीं कहेगा मैं नहीं रहूंगा, तो आपने ऑर्डर किया और परमात्मा उसके सामने हाजिर, तो कभी कभी वो ओबीडियंट सर्वेंट। तो जैसा बाप वैसे बच्चे, हमें भी कैसे उनके जैसे बनना है, ऐसे ही इस रमणीक ज्ञान का सिमरन कर हर्षित रहो तब कहेंगे खुश नसीब। देखा जाए तो गुरु ग्रंथ साहिब में भी और भगवद गीता में लिखा है, तुम्हें व माता सब पिता तुम्हें लिखा हुआ है, तो वहां पे लिखा है कि आप मेरे कभी बंधु हैं, आप मेरे कभी पिता हैं, आप कभी मेरी माँ हैं, कभी आप मेरे साथी हैं, कभी आप मेरे साजन हैं और मैं आपके कभी सजनी हूँ। ये आत्मा की बात हो रही है, क्योंकि मैं अगर शरीर पुरुष के शरीर में तो मैं सजनी कैसे हो सकता हूँ, राइट, क्वेश्चन आ जाएगा, लेकिन मैं आत्मा उनकी सजनी हूँ। तो ये बहुत ही गुह्य, बहुत ही रहस्यमय बातें हैं जिनको आप बहुत प्यार से, रमणीकता से, मजे से समझ सकते हैं कि ये कैसे कैसे डिफरेंट रोल्स अदा कर सकते हैं। आप भी तो एक आत्मा है, कभी आप माँ बन जाते हैं, कभी आप किसी की सास बन जाते हैं, कभी आप किसी की बहू बन जाते हैं, कभी आप किसी की पत्नी बन जाते हैं, या अगर आप बेटे हैं तो कभी बेटे, कभी किसी के हस्बैंड बन गए, कभी किसी के आप डिफरेंट डिफरेंट रोल्स बनाए जाते हैं, राइट, कभी बॉस भी बन सकते हैं।
तो ये सारे रोल्स एक आत्मा ही कर रही है, तो क्यों ना क्यों परमात्मा जो है वो भी अनेक अनेक रोल्स हमारे साथ निभाएं और हम भी उनके साथ में अनेक अनेक रोल्स निभाएं। हमेशा ऐसे क्यों बाबा ही क्यों कहें, हमेशा पिता ही क्यों कहें? आज आप मेरे साजन हैं, आज मेरे दुनिया वाले शरीर वाले साजन ने मेरे को दुख दिया, लेकिन आप मेरे सच्चे साजन ने मेरे को कभी दुख नहीं देंगे, अब मैं आपके ही गुण गाऊं। तो ये भी एक तरीका है। आज बच्चों ने मुझे दुख दिया, आप ही मेरे बच्चे बन जाइए, मैं आप ही को याद करूं, क्योंकि वो वाले बच्चे तो मैं सुख दे नहीं सकते, तो मैं आपसे ही सुख लूं। तो क्यों ना हम इन तरीकों से अनेक तरीकों से कलयुग की इस अंधकार वाली रात में परमात्मा को याद करें, ताकि हमारा उनसे कनेक्शन कभी ना टूटे और हमें कभी भी दुख महसूस ना हो, हम सदा खुश नसीब रहे और सदा हर्षित रहे, चाहे जो भी दुनिया की प्रॉब्लम्स आ जाए, इंसान जो भी कह के चले जाए हमें, लेकिन हमें कुछ प्रॉब्लम ना आए, इतनी हमारे अंदर शक्ति आ जाए, क्योंकि एक परमपिता परमात्मा दूसरा ना कोई, यह है नारा कलयुग का। अगर आप औरों को अपना सहारा बनाएंगे तो कहीं ना कहीं धोखे मिलेंगे, परमात्मा कहते हैं और हमने अनुभव किया हुआ है। तो आज परमात्मा ऐसे कहते हैं कि ऐसे ही इस रमणीय ज्ञान का सिमरण कर हर्षित रहो, तब कहेंगे खुश नसीब। तो अगर आप खुश नसीब रहना चाहते हैं तो आप भी आइए ब्रह्म कुमारीज में आकर के अनेक अनेक तरीकों को समझें कि कैसे परमात्मा से हम अनेक अनेक तरीकों से जुड़ सकते हैं, और आप भी आकर के खुश नसीब बने। ओम शांति सत्संग।